फ्रेंड्स, मैं पूनम, रेयान नीटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं क्रोशे का एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, शॉल्स, ब्लैंकेट्स या बेबी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, किसी में भी डलेगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सिंपल डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं कैसे। देखिए, हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। ऐसे इसको घुमा के, ऐसे तो हमारे ये वन स्टिच बन जाता है। एक बार फिर से दिखाती हूँ। इसको ऐसे घुमाएंगे और ऐसे, ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। सही, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 में जो ये वाला स्टिच है, ये जो लूप के साथ है, ये नहीं हम इसको काउंट करेंगे। तो हमने ये 10 स्टिच ही करे हैं। तो फर्स्ट रो में हम इसको सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। फिर हम एक बुनेंगे और उल्टा होएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, इसमें हम इसको सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। फिर इसी स्टिच से हम दोबारा बुनाएंगे और अब हम नेक्स्ट स्टिच में से बनाएंगे। तो ये 3 के हम एक कर देंगे। फिर से देखिए, इस स्टिच में से हम एक बनाएंगे, उसको हम बुन लेंगे, फिर ये बुनाएंगे, फिर तीसरे में हम, देखिए, इसको पहले एक को बना लेंगे, फिर इसी स्टिच में से हम निकालेंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच को हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, फिर इन 3 का एक कर देंगे। सिंगल क्रोशेट बना लिया, फिर से इसमें एक बार ले लिया और नेक्स्ट इसमें बुन लिया। तो ये 3 के हम एक कर देंगे। फिर एक स्टिच बुनेंगे और इसको हम उल्टा करेंगे। तो जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट 2 बार करे थे, वहाँ पे तो अब हम इसकी लोकेशन चेंज कर देंगे। जैसे ये 3 स्टिच का एक किया था ना, अब यहाँ पे डबल करेंगे। अभी हमने पीछे जो है 3 स्टिच का एक करा है, ये देखिए ये, तो अब हम इसको सिंगल क्रोशेट करेंगे ऐसे। और इसमें से 3 का एक कर देंगे, मीन्स हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ये इससे पता लग जाएगा, ये 3 के हमने करे हुए हैं ना, ये देखिए ये दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट करना है और यहाँ पे ये सिंगल है, तो इसका हम 3 का करेंगे, मीन्स हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं। देखिए, सिंगल क्रोशेट बना लिया, फिर से दोबारा इसी स्टिच में से करेंगे और फिर तीसरे में से 3 का एक। ये देखिए डबल है ना, 3 का एक करा हुआ है। अब इसके ऊपर सिंगल क्रोशेट 2 बार वाले करेंगे। एक बार तो बुन लेंगे
और एक बार ही उतार लेंगे और फिर इसमें से हम तीन का एक करेंगे। देखिए ये डबल है ना, तो इसमें से हम सिंगल क्रोशेट करेंगे। तीन का एक करेंगे, तो इसी तरह हम इस रो को बार बार रिपीट करेंगे। तो जब हम इस रो को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा डिजाइन इस तरह से आएगा। ये देखिए जहां से हमारा ये धागा शुरू होता है, ये हमारी सीधी साइड होती है, तो इसको हमें ऐसे रखना है जब ये इस साइड आए, क्योंकि यहाँ से हम स्टिच डालना शुरू करते हैं, तो वो हमारी राइट साइड होती है। तो जब हम इसको बार बार बुनते रहेंगे तो हमारा ये डिज़ाइन इस तरह दिखेगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।